प्राइमरी कक्षाओं की परीक्षाएं हरियाणा में चल रही हैं, लेकिन जिस तरह की स्थिति दिखाई दे रही है वो कई तरह के सवाल खड़े करती है, क्योंकि परीक्षाएं आरंभ हुई हैं लेकिन विद्यार्थियों को क्वेश्चन पेपर नहीं मिल रहा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर प्रिंट होकर स्कूलों में नहीं पहुंचे हैं। ऐसे में विद्यार्थी क्वेश्चन पेपर का इंतजार कर रहे हैं। ये व्यवस्था है हरियाणा के सरकारी स्कूलों की। हमारे साथ प्राइमरी स्कूल के अध्यापक है वीरेंद्र जी, उनसे बात कर लेते हैं। वीरेंद्र जी, एग्जाम कब शुरू हुए थे, क्या कुछ स्थिति या बनती हुई दिखाई दे रही है? सर, कल से एग्जाम शुरू हुए थे, तो हमें विभाग की तरफ से आदेश थे कि हमारे पास प्रिंटेड पेपर आएंगे। तो जैसे हमें सूचना मिली, हमने अपने लेवल पे कुछ पेपर सेट जो भी थे, हमारे रिटर्न में पेपर थे, तो हमने इनको बच्चों को दिए हैं। जो तो अपने लेवल पे ही हमने फोटोशीट कराया इनको। तो यहाँ स्कूल की बात करें, कितने छात्र पढ़ते हैं? कुछ पहले भी विभाग को लिखा गया होगा कि किस किस क्लास के लिए कितने पेपर हमें चाहिए? रेगुलर हमारी जो भी स्ट्रेंथ होती है वो जाती रहती है, तो समय समय पर जो भी डाटा है वो हमारे से कलेक्ट कर लिया जाता है। अभी जिस तरह की परिस्थिति बनी है, कल से एग्जाम शुरू हुए थे, कल से पेपर नहीं पहुंच रहे, तो स्कूलों में क्या व्यवस्था बिगड़ी है? सर, हमारे स्कूल में टाइम से जैसे पेपर नहीं थे, हमने अधिकारियों को बताया, तो हमें जैसे मार्गदर्शन मिला, हमने टाइम पे कल पेपर शुरू कर दिया था। और जैसे भी मैनेज किया, हमारे पास प्रिंटर वगैरह है, तो सॉफ्ट कॉपी जैसे मिल गया वो हमने प्रोवाइड किया है बच्चों को। कल तो वैसे कुछ पेपर हमारे पास प्रोवाइड हो गए थे विभाग की तरफ से, जो हमें विभाग की तरफ से पेपर मिले हैं वो हमने बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करके और टाइमली एग्जाम ले लिया था। तो अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक कक्षा के बच्चे बैठे हैं, उनका पेपर प्रिंट हो रहा है, फिर दूसरी कक्षा के बैठे, तो व्यवस्था तो कहीं ना कहीं एग्जाम की प्रभावित हुई। ऐसा आज सुबह ही हमारे पास सॉफ्ट कॉपी आई है, तो हमने जैसे कमांड दी है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत 19 प्रिंटिंग में रह जाता है, तो उसमें कार्ट्रिज वगैरह की समस्या थी, उसको हमने रिफिलिंग करवाया। रिफिलिंग जैसे हुई है, तो हमने रेगुलर पेपर निकाल के बच्चों की व्यवस्था को दुरुस्त करने का प्रयास किया। तो बिल्कुल देखिए, ये प्राइमरी स्कूलों की व्यवस्था है जहां पर एग्जाम शुरू हो चुके हैं, लेकिन जो एग्जाम पेपर है, क्वेश्चन पेपर है, वो नहीं पहुंचा है। तो ऐसे में छात्र कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे हैं कि जिस परीक्षा की तैयारी वो कर आए थे, उसका क्वेश्चन पेपर उन्हें मिले। लेकिन ये बड़ी लापरवाही है कि जिस तरह से प्रदेश के सरकारी स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में जो परीक्षाएं आरंभ हुई थी, उसको लेकर शिक्षा विभाग की जो तैयारियां थी वो कहीं ना कहीं फेल साबित होती हुई दिखाई दे रही है। विद्यार्थी यहाँ बैठे हैं कतारों में, आप देख सकते हैं, लेकिन इनके पास वो क्वेश्चन पेपर नहीं है। हालांकि अब वैकल्पिक व्यवस्था ये की जा रही है कि क्वेश्चन पेपर की सॉफ्ट कॉपी जो मंगवाई गई है और उसको यहाँ प्रिंट करवाया जा रहा है, ताकि छात्रों से एग्जाम लिया जा सके। लेकिन ये तमाम तैयारियां शिक्षा विभाग को पहले करनी थी। ऐसे में जिस तरह से अब जो एग्जाम देने के लिए छात्र पहुंचे हैं, वो कहीं ना कहीं इस व्यवस्था का शिकार हुए हैं। तो एग्जाम चल रहे हैं, कैसे क्या व्यवस्था? सर, एग्जाम तो चल रहे हैं, कल भी हमें प्रॉब्लम रही है, एक ही क्लास का पेपर आया था, और आज किसी भी क्लास का पेपर हमारा हार्ड कॉपी नहीं मिली है, हमें सॉफ्ट कॉपी मिली है जिसको हम प्रिंट कर रहे हैं। और जो काम अब तक चल रहा है, लगभग 12 बज चुके हैं, 12:05 हो गए हैं, अब पेपर तो लेना ही है बच्चों का जैसे कैसे। कितने बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे? टोटल 329। कुछ रिक्वायरमेंट वगैरह पहले भेजी जाती है सर। क्या वजह रही है कि एग्जाम ही? सर, ये तो डिपार्टमेंट ही बताएगा, हमें तो जो ऑर्डर मिलते हैं हम उन्हीं को फॉलो करते हैं। तो सुबह से बच्चे इंतजार कर रहे हैं, कल भी इंतजार कर रहे हैं? हाँ जी सर। तो अभी क्या विकल्प निकाला गया? विकल्प तो यही है सर, हम प्रिंट कर रहे हैं और उनको देंगे, इसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प है ही नहीं। शिक्षा विभाग को नहीं लिखा गया था पहले कि एग्जाम होंगे? सर, शिक्षा विभाग की तरफ से डेट शीट आती है, एनरोलमेंट मांगी गई थी, एनरोलमेंट वैसे भी शिक्षा विभाग के पास रहती है। तो अब जिस तरह से स्थिति बनी है, कैसे निपट रहे हैं? सर, निपट ऐसे नहीं है, प्रिंटिंग करके भी टाइम बच्चों का जा रहा है, हमारा भी जा रहा है। जिस टाइम में हम 9 से 11 में पेपर का टाइम था, लेकर हम फ्री हो जाते, मार्किंग करते, अब तक तो पेपर ही नहीं हुआ, मार्किंग तो कैसे होगी? क्या नाम बेटे आपका? नवीन। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? चौथी क्लास में। आज क्या करने हैं स्कूल में? पेपर था आज, तो देख ही नहीं रहे पेपर? पेपर मिला ही नहीं ना। अच्छा, तैयारी कैसी है? बढ़िया है। तो फिर आप पेपर तो मिला नहीं, कैसे करोगे? क्या नाम बेटे आपका? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फोर्थ में। आज क्या था स्कूल में?
पेपर था, कौन से सब्जेक्ट का है? इंग्लिश है। इंग्लिश का मिला है पेपर? सर। क्या बता रहे हैं? अभी मिलेगा थोड़ी देर में। थोड़ी देर में? कितनी देर से बैठे हो? थोड़ी देर हो गई है। तो बाकियों को पेपर मिल गया है? कौन कौन सी क्लास को नहीं मिल रहा? क्या नाम है बुढ़िया आपका? आशु। आशु बेटे कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फोर्थ में। आज क्या करने आए थे स्कूल में? मिला है? क्या कह रहे हैं? पेपर खत्म हो गए? ये पहले से नहीं पता था अभी एग्जाम होने हैं, पेपर आएंगे? पता था। अब क्या करोगे? आप सर देंगे। यहाँ लाइन में कितनी देर से बैठे हो?